हेलो एवरीबडी गुड मॉर्निंग आई होप इच एन ऑफ इज़ फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़ सो टुडे इज़ ट्वेंटी फोर्थ जुलाई एंड दिस इज़ माय टुडे इज़ टू डू लिस्ट सो एज यू ऑल नो दैट टुडे इज सैटरडे सो स्पेशली मैं आज मेंस लेवल की चीज़ों पे फोकस करूँगी लाइक करंट अफेयर हो गया प्रीवियस मंथ का स्पेशली एंड मीन्स लेवल की प्रैक्टिस ऑफ डी आई एंड पजल्स एंड यस आप लोग uh, मैं मैंने कभी बोलती नहीं हूँ बट अगर आप लोग वीडियो अगर सही से नहीं देख रहे सिर्फ टू तो डू लिस्ट ही देखेंगे तो आपको चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी कि कहाँ से प्रैक्टिस हो रही है ठीक है अगर आपको ये जानना है कहाँ से क्या चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं तो उसके लिए एटलीस्ट आपको वीडियो तो देखनी पड़ेगी सो so, क्योंकि काफ़ी लोग ये कमेंट पड़े रहते हैं कि कहाँ से हो रहा है क्या हो रहा है तो इसका मतलब यही है ना कि आप लोग चीज़ों को सुन नहीं रहे हो देख नहीं रहे हो सिर्फ टू डू लिस्ट आपने जो भी जैसे अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप स्क्रीन ले ले रहे हो या फिर आप उन सब को एनालाइज़ करके अपना एक प्लान कर ले रहे हो तो अगर आपको जानना है कहाँ से क्या प्रैक्टिस चल रही है जो चीज़ें मैं बताती हूँ तो प्लीज़ उसके लिए वीडियो ज़रूर देखा करें ठीक है अगर आपको जानना है तो सो वही है लाइक जैसे करंट अफेयर की एनालिसिस तो जैसे कि मैंने कल करंट अफेयर की कोजेस दी थी ठीक है तो काफ़ी लोग आप यही पूछेंगे ना कि करंट अफेयर की एनालिसिस कहाँ से कर रहे हो आप तो जैसा कि मैंने बताया कल मैं मैंने जो कोजेस दी थी वो कहाँ से दी तो लाइक अड्डा हो गया एसपायरेंट जोन ठीक है काफ़ी लोगों को नहीं पता है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ठीक तो है तो वहाँ की जो कोजेस दी हैं आप लाइक सिक्सटी सिक्सटी फाइव क्वेश्चन होते हैं तो आप सोच सकते हो कितने ज़्यादा क्वेश्चन होते होंगे तो उनकी एनालिसिस तो करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उससे हमारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाते हैं एंड उनका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड रहता है सर, उसमें आंसर्स में वो भी वो रीड करना रहता है सो so, उसके लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एज यू ऑल नो डैट कि परफेक्शन क्लास तो मस्ट है तो वो मैं अटेंड करती करती हूँ एंड येस इट इज़ पेड क्लास ऑन अन प्लस By Nimsa Bansal ma'am and this is for means level English and uh, yes आर बी पी ओ का mock भी दूंगी and this is mock number third of अड्डा तो अगर आप लोगों के पास अड्डा की टेस्ट सीरीज़ है तो आप लोग भी solve करिएगा and अपने इस जरूर comment section में mention कीजिएगा एंड yes उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगी मॉकटस की जो मैंने कल दिए थे यस yes, मैंने कुछ मॉकटस की एनालिसिस कर ली थी तो एक दो की है तो वो मैं करूंगी एंड uh, उसके बाद लाइक like, बैंकिंग अवेनेस पार्ट टू तो अभी बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट टू कहाँ से चल रहा है तो ऑलिव बोर्ड पे आ, एक सीरीज़ चल रही है एट हंड्रेड प्लस क्वेश्चन की ठीक है तो आप चाहें तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं देख सकते हैं करंटली मैं कर रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस की कोई पी या कुछ करने से काफ़ी चीज़ें हम आ, भूल जाते हैं अनविजुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है हमारे माइंड पर ज़्यादा इफेक्ट करता है तो इसलिए मैं चीज़ों को वीडियो से मकअप करने की कोशिश करती हूँ तो अगर आप चाहें तो आप ऑलिव बोर्ड पर चेकआउट कर सकते हैं आपको मिल जाएगी बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट टू ओके एंड टू मेन्स लेवल डी आई एंड दिस इज फ्रॉम एन अकेडमी प्लस सॉरी तो ये अन अकेडमी प्लस आशीष अरोना अरुणा सर की क्लास है उससे करूँगी दैन उसके बाद मैं मिक्सर एनालिगेशन जो टॉपिक मैंने कर रखा है जो क्वेश्चन की है मैंने तो उसकी मैं प्रैक्टिस के साथ साथ मैं उनका रिवीजन पहले करूँगी दिन उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूँगी बिकॉज uh, मेन्स लेवल के क्वेश्चन हैं कुछ लेवल वन सॉरीवल थर्ड के तो उनको उनके रिविज़न की बहुत ज़रूरत है मुझे ठीक तो है एंड डेली करंट अफेयर तो करना ही है इट्स मस्ट एंड मैं आशीष सर को फॉलो कर रही हूँ तो डेली करंट अफेयर शो मैं आशीष सर का ही देखती हूँ एंड ही इज़ द बेस्ट फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर मुझे ऐसा लगता है जीए का एंड काफ़ी लोग आप लोगों से काफ़ी लोगों ने फॉलो भी कर रहे होंगे तो नो no डाउट तो उसके बाद द हिंदू एडिटोरियल आई विल रीड दैट एंड विल डू सम वो कैब्स एंड दिस इज़ फ्रॉम वो कैब प्रोडी बुक काफ़ी लोगों के पास होगी जिनके पास नहीं है तो आप परचेज कर सकते हो ठीक है बेस्ट बुक है वो कैप्स के लिए एन एडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए काफ़ी कुछ उसमें दे रखा है प्रीवियस ईयर के जितने भी आपकी कैप्स हैं वो भी प्रोवाइडेड हैं उस बुक में तो आप वहाँ से चीज़ों को लर्न कर सकते हो एंड उसके बाद रिवाइज कर सकते हो सो दैट्स ऑल अबाउट टू डेज टू डू लिस्ट एवरी काफ़ी चीज़ें मुझे बतानी थी दैट्स वाई मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे